सब अभी भी तो शोर मचा रहे थे। अच्छा तुम लोग अपने अपने एरिया में जाओ, कल समिति के ऑफिस में मिलेंगे। अच्छा शांति। आई दीदी। परसों पढ़ाने आऊंगी। और इसकी तरह से अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। देखिए अगर आप लोग मुझसे इतना ही डरते हैं तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मेहनत मैं भी करती हूँ, सारा दिन काम करने के बाद अगर यहाँ आती हूँ तो ये चेताने के लिए नहीं कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ या आपसे बड़ी हूँ। आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ने लिखने का थोड़ा सा सौभाग्य जो मुझे मिला है आप लोगों से बांट लो। अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं जाती हूँ। नहीं 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 रेनू बहन, ये बात नहीं है। बात क्या है कि दिन भर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना थक जाते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता ना। इसीलिए तो पढ़ना चाहिए, आखिर इंसान दिन रात मेहनत मजदूरी क्यों करे। ये बात समझने के लिए, अपना हक और फर्ज जानने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। एकदम बराबर बात है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। जी मैं है तो इसमें शर्माने की क्या बात है। ओ, वो शर्मा रहे, अरे बुड्ढे बुड्ढे जा रहे हैं, चल तू भी चल, चल जल्दी। अरे अनु दीदी। अरे चल ना, चल पढ़ने तो रही हूँ। चल ना। अच्छा रामू भैया तुम बोलो, अगर तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए महीने हो। मेरी पगार तो सिर्फ 55 रुपए है, 100 रुपया कहाँ से आएगा? सोच लो तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए महीने है। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ओहो, मैं हिसाब सिखाने के लिए कह रही हूँ। सोच लो तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए महीने है और तुमने नंदू भैया को उसमें से 20 रुपए दे दिए, तो कितने बचे? भला मैं क्यों उसे देने लगा? अगर दे भी दूँ तो थोड़ा ही मुझे वापस करेगा। क्या मतलब? मैं उधार लेकर वापस नहीं लेता। तुम ये बेईमान मत, अरे मैं तेरे पैर का दांत तोड़ूंगा। ये मेरा दांत तोड़ेगा। अरे जा पर पर जा। देख मोहन, तू इस रामू के बच्चे को समझा दे। अरे जा 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 जा। अरे आसान सी बात पूछ रही है कि 100 रुपए में से अगर 20 रुपए निकल गए तो कितने बचे? साफ साफ जवाब क्यों नहीं देता फिर? 80 रुपए। हाँ 80 रुपए। अच्छा आप बताइए। यस सर। सर नहीं मिस। मिस मिस का मतलब? जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे मिस कहते हैं। मेरी शादी भी नहीं हुई, इसका मतलब है मैं भी मिस हूँ। ओहो, आप मिस नहीं मिस्टर हैं। मालूम होता है आप अंग्रेजी में बहुत कमजोर हैं। अच्छा अंग्रेजी में बोलिए तो, मैं एक लड़का हूँ। आप क्या करेंगे? आप लड़का कैसे हो सकती हैं? आप जैसी खूबसूरत लड़की को जो लड़का कहे वो या तो अंधा है और या पागल। क्यों मैं? आप बैठ जाइए, मुझे मालूम हो गया आपको एबीसी से भी वास्ता नहीं। फरीदा तुम बोलो, टीओ क्या होता है? टू। गुड। शांति, डीओ क्या होता है? टू। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं कि एनओ क्या होता है? एनओ एनओ भैया बोलो, एनओ नो। अच्छा एनओ नू। एनओ नू नहीं, एनओ नो। एनओ नो जब टी आर ओ टू है और टी आर ओ टू है तो एन आर ओ नू नहीं होगा तो और क्या होगा? और अगर नहीं है तो मुझे समझाइए क्यों नहीं। समझाओ कैसे? ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है, कहने से बात नहीं बनती। अब आप देखिए, क में आ की मात्रा का, क में आ की मात्रा काका होता है, द में आ की मात्रा दा, द में आ की मात्रा दादा होता है, ब में आ की मात्रा बा, ब में आ की मात्रा बाबा होगा, बीबी नहीं होगा। क्यों मैं?
बिल्कुल। आप हमें समझाइए कि डी और ओ डू है और टी और ओ टू है तो एन और ओ नू क्यों नहीं होगा? क्या मुसीबत, एनो नू नहीं एनो नो है, यही कायदा है। और ये क्या कायदा है, क्या नियम है, आप हमें समझाइए। हम लोग अनपढ़ हैं, आप हमें ठीक से पढ़ाइए, वरना आप कह दीजिए कि आप पढ़ा नहीं सकती, आपको कुछ नहीं आता। आनंद आनंद मेरा ख्याल है इस वक्त तुम बैठ जाओ, बाद में समझ लेंगे। बाद में समझ लेंगे, बाद में समझ लेंगे, और बात है, लेकिन तो कुछ नहीं आता। गंगा बताओ माँ की अंग्रेजी क्या है? जी मदर। बैठो। चुन्नू तुम बताओ पिता की अंग्रेजी क्या है? फादर। वेरी गुड। नंदू भैया? जी मैं। हाँ दादा की अंग्रेजी क्या है? दादा अभी बताता हूँ। दीदी दीदी देखिए ना पिताजी मुझसे पूछते। चुप, मैंने तुझसे कहा पूछा? क्या मुझे अंग्रेजी नहीं आती? दादा का मतलब हुआ बाप का बाप, फादर फादर टू फादर। दादा की अंग्रेजी है ग्रैंडफादर। नहीं मैं कुछ भी सुना नहीं चाहता। इतने दिन हो गए मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं, आखिर क्या हुआ? शहर से हवा हो गया? 7 दिन के अंदर अंदर से ढूंढ निकालिए, जाइए। देखो जी मालिक ये बिस्तर की हालत क्या बना रखी है, वो ऐसे बिस्तर पर सोता है? वो नहीं है तो तुम लोग अपनी मनमानी करोगे? बिठाओ जिससे। जो चट्टाई पर सोने का मजा है वो मखमली ये लोग ऐसा क्या भी नहीं है। आनंदी आनंदी आप भागो भागो यहाँ से। क्यों नंदू चाचा आ रहे हैं? तो क्या हुआ? मियाँ बीबी बाहर जा रहे, मुन्ने को तुम्हारे सर मंडना चाहते। अरे बाप आनंद। अरे ओ आनंद सो गया? अरे अभी अभी तुम आते कर रहा था। वो तो ऐसे ही है, कभी बात करते करते सो जाते, सोते सोते बात करते हैं। अच्छा चलो अपना क्या, हम तो एक काम की खबर आए थे। काम आ रहा है, मैं भी करूंगा माँ, मैं भी करूंगा। अरे यार बात ये है कि बीबी के साथ ससुराल जा रहा हूँ तो मुन्ने ने मुसीबत खड़ी कर दी। हाँ तो तुम्हारा ससुराल मुन्ने का ननिहाल है, इसे भी साथ ले जाओ। कमाल करता है, और टिकट नहीं लगेगी क्या? टिकट है ससुराल और टिकट? अरे वो ससुराल नहीं, वो सनीमा वाला ससुराल, सनीमा वाला तेरी प्यारे प्यारे ससुराल। बस बस अब चल बकी नहीं चल थे ना कहना ही तो से। लक्ष्मण जैसे देव रहत कोनो चिंता नहीं, लो संभाल ले समय। अच्छा तो चलिए देवर जी। अच्छी बात है, चल चल दे तू कहाँ चलेगा, बैठ। मैं कमिंग सर। कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर गोम्स तुमको याद है ना आज मिस्टर अनंत दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन यहाँ आने वाले हैं? जी हाँ। आते ही उसे बाइज्जत यहाँ ले आना। जी हाँ। और सुना है तो वो थोड़ा सा क्रैक है, न जाने किस लिबास में चला आए, कुछ पता नहीं। जी हाँ। ये जिया जिया क्या लगा रखा है? जी हाँ। और देखो अगर कोई आदमी मुझसे मिलना चाहे या कहीं से टेलीफोन आए तो मैं इस ऑफिस में हूं लेकिन नहीं हूं, समझे? जी हाँ जी, नहीं समझा। आप गधे हैं। जी हाँ दैट्स ऑल सर। जी हाँ। देखिए। जी हाँ देख रहा हूँ। आप बोल सकते हैं क्या? जी हाँ बोल भी सकता। मेरा मतलब मैं मैनेजर। मैनेजर कौन सी कंपनी का? मैं कंपनी के मैनेजर। वाह साहब वाह, 3 साल से झक मार रहा हूँ और अपने मैनेजर को नहीं जानता? वैसे मेरी बात तो सुनिए। जी हाँ बोलिए। मैं इस कंपनी के मैनेजर से मिल सकता हूँ? जी नहीं, आज आप तो क्या उनकी बीबी भी आए तो नहीं मिल सकती। अच्छा ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इस स्लिप में अपना नाम लिख कर जाइए, 2-3 दिन के बाद आइएगा, हो सकता है मिला दूंगा। पेंसिल? हाँ वो भी है, पेंसिल भी है। आनंद आनंद